नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हो चुके हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश चुनाव हो चुका है, गुजरात चुनाव हो चुका है, और चुनावों के साथ साथ यहां पर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। पर एक नई तरह की परंपरा और चल रही समय देश में कि चुनावों कराने वाले यानी चुनाव आयोग को भी अब कटघरे में खड़ा करने की एक अलग व्यवस्था शुरू हो गई है। व्यवस्था ऐसी कि चुनाव आयोग पर भी अब प्रश्न उठाने जाने लगे हैं। कोई कहता है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, वोटरों के नाम कट जाते हैं। अभी हाल में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी कई जनपदों में, कई विधानसभाओं में 20,000-30,000 वोटरों के नाम काट दिए गए, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि वो चुनाव हार गए। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए थे। उसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से उन आरोपों का आधार भी मांगा कि इनका आधार बताइए। चुनाव आयोग का कहना है कि अपनी बयानबाजी के चलते, राजनीतिक बयानबाजी चलते, अब तथ्यहीन आरोप लगाकर राजनीतिक दल उसका एक मखौल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि हम वैसे भी कोई समस्या के लिए सी विजिल नामक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, उस पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, पर केवल आरोप में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना ये अब नहीं होगा। चुनाव आयोग इसके लिए कमर कसता जा रहा है, और चुनाव आयोग का कहना है सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्दी एक अलग तरह की रणनीति और एक अलग तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चुनाव आयोग शुरू होने जा रहा है। एक नई व्यवस्था, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई नीति, जिसकी शुरुआत अगर हम कहें तो एक बार हो चुकी है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से उनके आरोपों को आधार मांग लिया था, कहा था कि जो आपने आरोप लगाए हैं वोटरों के नाम काटने के, उनके आप आधार मुहैया कराएं, उनका तथ्य कई सबूत मुहैया कराएं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से तमाम सबूत पेश किए गए, उन सबूतों का आधार क्या है, उन सबूतों पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया है, ये अभी भी एक प्रश्न है और अभी इसका जवाब आना बाकी है। पर यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है कि अब अगर कोई राजनीतिक दल सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से उनकी छवि को खराब करेगा, चुनाव आयोग जो कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है और चुनाव कराता है, निर्वाचन की प्रक्रिया चुनाव आयोग के माध्यम से ही होती है, और अगर उसके ऊपर आप आरोप लगाएंगे बिना किसी तथ्य के, तो यहाँ पर चुनाव आयोग शांत नहीं बैठेगा। और अब इस बार जो रणनीति बनाई है यह है कि लोक प्रतिनिधि कानून के तहत यहाँ चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर कार्रवाई भी करेगा, और कार्रवाई भी ऐसी होगी जिसके तहत आप पर जुर्माना भी हो सकता है, साथ ही साथ आपराधिक मुकदमा भी आप पर दर्ज हो सकता है, और साथ ही साथ चुनाव आयोग चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारक, वाहन रैली और तमाम तरह की सभाओं करने की जो उनकी व्यवस्था है चुनाव के तहत, उसको भी रोक लगा सकता है अगर आपने चुनाव आयोग को किसी कटघरे में खड़ा किया बिना किसी आधार के। यानी कुल मिला के व्यवस्था यह है कि अब चुनाव आयोग अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का संज्ञान भी लेगा, और संज्ञान लेने के साथ साथ यहाँ पर अगर तथ्यहीन आरोप रहेंगे तो जुर्माना भी होगा, आपराधिक मुकदमा भी हो सकता है, और साथ ही साथ आने वाले समय में एक अलग व्यवस्था, जिस तरह से हम देखते हैं क्रिकेट में व्यवस्था होती है कि मैच फीस काट ली जाती है या किन मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था हो सकता है चुनाव आयोग की व्यवस्था लेकर आए, और इसी के तहत रैलियों पर रोक लग जाए, स्टार प्रचारकों पर रोक लग जाए, या आपको कुछ समय पहले प्रचार के आप मौका कम कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अब ये व्यवस्था भी शुरू होने वाली है। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग इस बार हर मामले को संवेदनशील लेगा और अपने ऊपर जिस तरह से उसकी एक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर शांत नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, और मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ ही समय में आपको मेहमान से रूबरू कराऊंगा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप लगते क्यों हैं, कारण क्या है, और अगर आरोप लग रहा है तो उस आरोप का आधार क्या है। खैर, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा रहा हूँ। यहाँ से केसी जैन भाई भाजपा द्वारा पक्ष रखेंगे, आमिर साबरी भाई बृहस्पति के रूप में पक्ष रखेंगे, रविंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता सपा के रूप में पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में इमरान लतीफ भाई अपना पक्ष रखेंगे, और प्रवक्ता रालोट के रूप में बेर प्रकाश मिश्रा जी अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि राजनीतिक मुद्दा है और सभी दल हमारे साथ यहाँ मौजूद है, केसी भाई, यहाँ पर जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग अब सक्रियता से रणनीति बनाने जा रहा है, और अगर उस पर आप आरोप लगाएंगे और वो अगर आरोप तथ्यहीन निकले तो यहाँ पर अब कार्रवाई होगी, जुर्माना भी होगा, जुर्माने के साथ आपराधिक
मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, साथ ही साथ आपकी कार्यशैली पर, आपकी रैलियों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, कि ये देखा गया है कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है जी, वो कहीं ना कहीं अगर चुनाव जीत गई तब तो बहुत अच्छा। अच्छा भाई, उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की, इसलिए उनको जनता ने सपोर्ट कर दिया और वो जीत गए। लेकिन अगर वो चुनाव बाय द वे किसी कारणों से हारे तो फिर क्या होता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है जी, कि चुनाव आयोग ने हमको वोटिंग नहीं करने दिया, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने सहयोग नहीं किया जी, और जो मशीन थी वो बदल दी गई। अच्छा, मशीन जो थी ईवीएम मशीन थी उसमें पहले से जो है वोटे पहले से फिक्स थी। अच्छा, या फिर पार्टी विशेष को 25% वोटे ट्रांसफर हो रही है, आप वोट किसी को भी दे। अच्छा, इस तरीके की तमाम सारी अफवाहें, तमाम सारी बातें सोशल मीडिया, और इसका और कोई कारण नहीं है जी। इसका देखिए पुख्ता कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है, जहां तक हमें लगता है, हमारी जहां तक जानकारी में है, इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ मात्र इतना है कि पार्टी कहीं ना कहीं अगले चुनाव की तैयारी में ये शो करना चाहती है कि हमारे वोटर कम नहीं है। अच्छा, हम मजबूत है। अच्छा, यानी कि जो उसके पास वोटर हैं वो वोटर भी कहीं चले न जाए, ये मान करके कि इनका जनाधार तो खत्म हो गया है। अच्छा, अब एक पार्टी 80% वोट पाती, एक पार्टी 10% वोट पाती उसमें से। अच्छा, और बाकी 10% तो जो निर्दल है या और छोटे छोटे लोग पाते हैं। आपका कहना यह है कि हार का ठीकरा फोड़ते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ हार का ठीकरा तक ही नहीं। अच्छा, हार का ठीकरा तो फोड़ते हैं वो, साथ ही साथ जो उनके वोटर्स है, जो उनको वोट प्रतिशत जो भी मिला है जी, वो उनके अंदर इस बात का डर रहता है कि अगर ये जनता के बीच में ये मैसेज जाता है, ये परसेप्शन बन जाता है जनता के अंदर कि भाई फला पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता का रुझान इस तरफ है, तो वो अपने लोगों को रोकने के लिए कि ऐसा नहीं कि उस तरफ रुझान है, रुझान तो सारा हमारा हमारी तरफ था, लेकिन हमारा गणित इसलिए बिगड़ गया क्योंकि चुनाव आयोग ने सहयोग नहीं किया, ये मशीन बदल गई, वोट और जो वोट थे वो पहले से थे मशीन में, तो तमाम तरीके के इस तरीके के अलग-अलग बातें करके वो जो अपने वोटर है उनको रोकने के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने वोट दिया तो गलत पार्टी को वोट दिया या हारने वाली पार्टी को वोट दिया, आपने जिसको वोट दिया वो पार्टी बिल्कुल जीत रही थी, बहुत मजबूत पार्टी थी, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से हम हार गए। अच्छा, तो कुल मिला के अपने आप को, अपने वोटरों को बनाए रखने के लिए और इस तरीके से ठीकरा विपक्ष पे फोड़िए, ठीक है आप जो पार्टी जीत गई उस पर ठीकरा फोड़िए कि भाई ठीक है आपने झूठे वादे कर लिए। अच्छा, आपने जनता को भ्रमित कर लिया, वो तो ठीक है। अच्छा, लेकिन चुनाव अगर जो ही आप ईवीएम मशीन पे आते हैं, जो ही आप कहते हो वोटिंग, जो वोटिंग लिस्ट थी वोटर लिस्ट में नाम कम ज्यादा हुए, जो ही आप तीसरी बात ये कहते हैं कि नहीं जो है वो घोटाला किया गया, जब ये बातें आती है तो आप चुनाव आयोग को वहां पर, आपका मानना ठीक है चुनाव आयोग एक्शन लेगा? ठीक है, ठीक रणनीति है। देखिए गौरव जी, चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा और अगर इस तरीके की चीजें बनती हैं वो तो सारे दलों पे लागू होगी ना। अब दिल्ली में जैसे हम एमसीडी का चुनाव हार गए, हमने तो नहीं कहा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया। हम अगर खतौली विधानसभा हार गए तो हमने तो नहीं कहा कि हमने वहां चुनाव आयोग ने वहां गड़बड़ किया। अच्छा, लेकिन जब चुनाव विपक्ष वही हार जाता है तो सारा चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ देते हैं। जीतने के बाद बोल रहा है, अगर जी, अगर वो मैनपुरी जीत गए। अच्छा, तो अभी तक तो देखिए ये भूमिका बनाई जा रही थी गुरु जी, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, चूंकि इन लोगों ने जितनी बातें कही वो सारी बातें झूठी साबित हो गई। अच्छा, झूठी कैसे साबित हो गई? चूंकि चुनाव ये जीत गए। अच्छा, इसलिए झूठी साबित हो गई इनकी तरफ से। लेकिन अगर ये चुनाव हार जाते तो यही सब बातें सही बताते, देखो हमने पहले से ही आशंका जाहिर की थी, मशीनें चेंज हो गई, बेईमानी हो गई, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। अरे जब वोट नहीं डालने दिया गया आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता, रामपुर में केवल तो कैसे जीत गए? कैसे भाई, रामपुर में शाम तक केवल 34% वोटिंग हुई है, उस पर भी देखना चाहिए। उस पर विपक्ष का कहना है कि वहां वोटिंग ही नहीं है, वोटर को आने नहीं दिया गया, इसलिए बीजेपी जीत गई। नहीं देखिए, ये कह देना कि वोटर को नहीं आने दिया गया तो क्या सिर्फ एक जगह पे वोटर को नहीं आने दिया गया? और अभी इसके पहले जो
लोकसभाओं की सीटों के उपचुनाव हुए अच्छा, और एक माननीय अखिलेश यादव जी ने खाली की थी हाँ, और एक रामपुर की थी जी, तो दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे जी, उसके बाद वो दोनों सीटें हार गए। और वहां पर वोट परसेंटेज की बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बसपा के प्रत्याशी को अच्छा, आजमगढ़ में वोट मिला अच्छा। तो देखिए ये तो अपने अपना विश्लेषण है कि तो, अपने आप को तो आपका मानना है कि इलेक्शन कमीशन की जो एक सोच है कि अगर उनकी छवि को खराब किया जाएगा तो अब कार्रवाई होगी, अब हंटर चलेगा, ठीक मानते हैं इसको ना? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग तो सबके लिए है ना जी, चुनाव आयोग जब चुनाव कराता है जी, तो किसी पार्टी को जिताने के लिए किसी पार्टी को हटाए के चुनाव 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 तो कहना है। देखिए गौरव जी, देखिए आप जैसे डिबेट करा रहे हैं तो आप किसी को कहते तो है नहीं कि आपको क्या बोलना है जी, अब सामने वाला जो बोलता है उसके हिसाब से सामने वाला दूसरा पक्ष बोलता है जी, मैं जो बोलूंगा उसी के अकॉर्डिंग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा और आम आदमी पार्टी सब लोग बोलेंगे, जो मैं सवाल उठाऊंगा और वो जो सवाल उठाएंगे उसका जवाब मैं दूंगा, उसको आप थोड़ा तय करते किसको क्या बोलना है, आप तो एक विषय रखते हैं, वही चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष तरीके से काम करता है, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर ही ठीकरा फोड़ दिया जाता है हार का, ये गलत परंपरा है। ठीक 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 रविन भाई, भाई यहाँ पर अगर तथ्यहीन आरोप लगेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से छवि खराब करेंगे तो अब हंटर चलेगा और मुकदमा भी दर्ज होगा, जुर्माना भी लग सकता है और साथ ही साथ प्रचार पर भी कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, ऐसी रणनीति चुनाव आयोग बनाने जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है, आप कैसे देखते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। तथ्यहीन आरोप लगाने पर चुनाव आयोग चुप नहीं बैठेगा, ऐसा करके एक अखबार ने छापा तो या अधिकार भारतीय संविधान ने सबको पहले से दे रखा है, ये अधिकार आपके पास भी है हमारे पास भी है जी। आईपीसी की धारा 499-500 के तहत इसको आपराधिक मुकदमे के रूप में दर्ज कर सकते हैं जी, और सीपीसी के तहत हम लोग सिविल मुकदमे के रूप में जुर्माने के रूप में दर्ज कर सकते हैं जी। एक एडिशनल अधिकार है चुनाव आयोग के पास में जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जी, ये कोई नई बात नहीं है, तथ्यहीन आरोप कोई भी लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। अब चुनाव आयोग को यह सोचना है कि वह टीएन सेशन साहब से पहले वाला चुनाव आयोग बने जिनको कठपुतली कहा जाता था, या टीएन सेशन साहब वाला चुनाव आयोग कहा जाए जिसको आज तक हम याद करते हैं अच्छा। अब चुनाव आयोग के टिप्पणियों की बात करें जो सोशल मीडिया में हो रही है, कहीं भी हो रही है, टिप्पणियां करने के लिए स्वतंत्र हैं, तथ्यहीन नहीं होनी चाहिए अच्छा, ये अधिकार संविधान देता है ठीक है। अब अभी पिछले माह नवंबर में जो टिप्पणी किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, पांच जजों की बेंच थी, उन्होंने टिप्पणी किया है कि सरकारों ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है अच्छा। तो क्या इससे सहमत ना हुआ जाए, यह टिप्पणी तो माननीय चुनाव आयोग की है अच्छा। उन्हीं में से एक जज साहब कहते हैं कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसके दौरान 30 से 35 अखबारों में आयोग के कामकाज पे टीका टिप्पणी प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। उन्हीं में से एक जज साहब कहते हैं कि हमें एक ऐसे मुख्य चुनाव आयोग की आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी कार्रवाई करे। ये टिप्पणियां तो माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है, अगर ऐसी परिस्थितियों में कर रहा है कि जब उसके पास एक याचिका लंबित है कि चुनाव आयुक्तों के निर्वाचन के लिए कोलिजियम जैसी एक प्रणाली बनाई जाए। अब रही बात जो जमीनी स्तर पे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपने कोई मशीनरी नहीं होती है, चुनाव आयोग प्रशासन की मशीनरी पे काम करता है अच्छा। अब एक वीडियो प्रचारित हो रहा है खतौली का कि एक सीओ लेवल के अधिकारी एक मतदाता को इसलिए लौटा दे रहे हैं कि वो आधार कार्ड लेके जा रहे हैं अच्छा। जबकि चुनाव आयोग
की गाइडलाइन में है 11 आईडी कार्ड है कि अगर आप लेके जाते हैं तो आपको रोका नहीं जा सकता है। तो इस पे चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। अगर चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है तो प्रतिकूल टिप्पणी की जाएगी, उसका उसका प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पे चाहे वो तो अभी आप संज्ञान दिला दीजिए ना, या आप संज्ञान दिला दीजिए, आप संज्ञान क्यों नहीं दिला रहे, अदालत में जाएंगे, आप संज्ञान दिला दीजिए रविन भाई, संज्ञान पूरी जनता ने हमने संज्ञान दिलाया है। जो जिले के अधिकारी होते हैं, चुनाव चल रहा होता है तो उनका नाम हो जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अच्छा, जब मैनपुरी में चुनाव चल रहा था तो वहां की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय डिंपल यादव जी डीएम साहब को फोन करती है, मतलब मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फोन करती है, वो फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी फोन करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, फोन नहीं कर उठाते हैं। उसका उसका तुरंत सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। अच्छा, वो अभी संज्ञान नहीं लेते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है, उसका भी संज्ञान नहीं लेते हैं, तो टिप्पणी तो हम करेंगे ही। अच्छा, आपको जो कार्रवाई करना होगा करिएगा। अच्छा, आप ना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। अच्छा, इसका दो उदाहरण दे दें। आप जो सबसे उच्च संस्था है जी, जो सबसे उच्च संस्था जो नियम बनाती है, अभी उसने मतलब संसद अभी उसने एक नियम बनाया था कि कोलेजियम के एक तरीके से मान लिया जाए कि कोलिजियम को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बना दिया था। उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आदरणीय योगी जी की उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दंगाई बता के कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया था, पैसा वसूल लिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये भी कहा कि आप पैसा उनका वापस करिए। तो चुनाव आयोग भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। तो आप चुनाव आयोग को मानता हूँ, व्यवहारिक कठिनाइयां हैं क्योंकि उसके पास अपनी मशीनरी नहीं होती है। तो अगर वो टीएन सेशन जी की तरह काम करेगी कि किसी से डरेगी नहीं, लड़ाई करेंगे जैसे टीएन सेशन साहब तो है नहीं, तो आप चुनाव से चुनाव नहीं करवाएंगे, किससे कराएंगे फिर चुनाव, कौन चुनाव करेगा जब आप कह रहे हैं कि वो चुनाव से ऊपर नहीं है। भाई आप कह रहे हैं ना, हम तो टिप्पणी करते रहेंगे जी। चुनाव तो हमेशा चुनाव आयोग ही कराएगा। हाँ। और अभी एक टिप्पणी आई है नवंबर में जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। अच्छा, कि डीएन सेशन जैसे चुनाव आयोग वो हमने सुन लिया, वो हमें पता है, वो जानकारी है, पर कुल मिला के आपका कहना है कि अगर चुनाव आयोग ढंग से चुनाव नहीं कराएगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा, तो आप उस पर टिप्पणी करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, टिप्पणी भी करेंगे जी, और मामले को न्यायालय तक भी ले जाएंगे। ठीक ठीक है, लेके जाइए। ठीक है, हर हाल में लेके जाएंगे। ठीक ठीक है, इमरान भाई, भाई आप तो एमसीडी चुनाव जीत गए, गुजरात में 13 सीटें लेके आए हैं, 13% आपको वोट भी मिला है। भाई जिस तरह से यहाँ पर चुनाव आयोग की एक अलग तरह की व्यवस्था शुरू होने की बात कही जा रही है कि जो तथ्यहीन आरोप लगाएगा तो वहाँ पर कार्रवाई अब होगी लोक प्रतिनिधि नियम के तहत, आपका क्या मानना है कि चुनाव आयोग की ये सोच है या ये व्यवस्था आने वाले समय में हमको देखने मिलेगी, ये बेहतर है अगर तथ्यहीन आरोप रहते हैं? अगर आपके ऊपर भी मैं यहाँ बैठ के अनर्गल आरोप लगाऊं तो ये अधिकार आपको भी संविधान ने दिया हुआ है कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए अर्जी दे सकते जी, हैं संबंधित अथॉरिटीज को जी। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि बिल्कुल रिफॉर्म के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। अगर चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं को सुधारना चाहता है, निश्चित रूप से दो बातें बहुत जरूरी हैं जी, ना तो अनर्गल आरोप लगने चाहिए जी, और ना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए जी, कि
कि राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े हुए लोग ऐसी टीका टिप्पणी करें। रामपुर में जिस तरह की तस्वीरें आई उसकी जो सच्चाई पीछे की है वो स्पष्ट होना चाहिए था। अच्छा। गुजरात के सूरत में अगर एक प्रत्याशी का जबरन जो है नामांकन वापस कराया जाएगा और उसकी कोई जांच तक नहीं कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। अच्छा। आप चाहे गर्दन मार दें चाहे जुबान काट दें। अच्छा। मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वतंत्र चुनाव कराना, और अगर उस दिशा में चुनाव आयोग कोई भी कदम उठाता है तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से चुनाव आयोग के साथ खड़ी है और उनके इस कदम की प्रशंसा करती है, सराहना करती है। क्योंकि चुनाव जब तक आप सोचिए कि लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं जिनको हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कह लें उनका सारा आधार चुनाव पर टिका हुआ है। लोकतंत्र कितना मजबूत है कितना कमजोर है वो सब कुछ कहीं ना कहीं चुनाव पर निर्भर करता है। अच्छा। और अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है अगर वही संदिग्ध हो जाए, अगर उसी पर शक होने लगे, उसी पे सवाल उठने लगे, कहां संदिग्ध हो गई भाई। मैं एक बात कह रहा हूँ, अच्छा। आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई? क्यों अच्छा। चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ रही है या सख्ती करनी पड़ रही है या डंडा उठाना पड़ रहा है? आखिर अगर चुनाव आयोग ये कदम उठाने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात उठ रही है। अच्छा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धुआं उठ रहा है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर चुनाव कहीं से भी ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध हो गई है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का वजूद खतरे में आ जाएगा। अच्छा। तो बिल्कुल मैं चुनाव आयोग के साथ हूँ। अच्छा। चुनाव आयोग को रिफॉर्म की दिशा में, सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाने चाहिए और आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, इसकी गारंटी लेना चुनाव आयोग की। और मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से इमरान भाई अगर समय समय पर चुनाव बेहतर हो रहा है तो उसके चुनाव आयोग की सराहना भी करनी चाहिए, केवल आरोप का खेल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। दरअसल चुनाव आयोग कुछ अलग चीज नहीं है गौरव भाई। अभी हमारे तमाम मित्रों ने जिक्र किया था चुनाव आयोग का जी। चुनाव आयोग जो है कोई अलग से संस्था नहीं है, वही जिला अधिकारी वही सरकारी तंत्र जो है वो चुनाव संपन्न कराता जी, है जी। तो ऐसे में जो मुख्य चुनाव आयुक्त तक को खाली चुनाव आयोग समझ लेना ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से सही नहीं होगा। अच्छा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसको चुनाव सही फिलहाल ऐसी व्यवस्था हो रही है तो आप साथ में चुनाव आयोग की? बिल्कुल चुनाव सुधार की दिशा में है तो बिल्कुल हम साथ। ठीक है मिश्रा जी। जी भाई यहाँ आपके भी तमाम आरोप थे, आपने भी तमाम बातें कही थी रामपुर चुनाव को लेकर, खतौली चुनाव को लेकर आपने भी काफ़ी प्रश्न उठाए थे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर। यहाँ पर जिस तरह से चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आरोप लगेंगे तो तथ्यहीन आधार रहेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, प्रश्न ये उठता है कि जिला प्रशासन पर अगर उंगली उठती है और वो उंगली चुनाव आयोग ये मानता है कि मुझ पर उठ रही है। अच्छा। जिला प्रशासन के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो चुनाव आयोग को उसकी एक जांच करानी चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं क्या ये आरोप सही हैं? ये केवल आरोप राजनीतिक दल ही नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। आम नागरिकों ने जो सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस की कार्यशैली, प्रशासन की गतिविधियों को आप लोगों के बीच में शेयर किया है उसमें राजनीतिक दल कहां है? अच्छा। वो तो आम नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि मुझको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, तो चुनाव आयोग उसके लिए किसको दोषी मानता है? राजनीतिक दलों को दोषी मानता है या जिला प्रशासन को दोषी मानता है? जी। जब राकेश सिंह खतौली में वोटर को वोट डालने से मना कर रहे हैं कि आपका वोट इसलिए नहीं डाला जाएगा क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वोट मुझे मिलना था या सत्ता पक्ष को मिलना था या आप पार्टी को मिलना था या सपा को मिलना था या बसपा को मिलना था। किसी भी व्यक्ति को वोट डालना था, किसको वोट मिलना था, ये वोटर का अपना अधिकार सुरक्षित है। लेकिन ये बताइए आपके क्षेत्राधिकारी को ये अधिकार किसने दिया? और अगर ये बात आई तो क्या इसका जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया? और अगर चुनाव आयोग मानता है कि जिला प्रशासन के ऊपर लगने वाले सारे आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान क्यों लेकर नहीं लिया और क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की? 31% मतदान हो रहा है रामपुर में, चुनाव हारने जीतने की यहाँ बात ही नहीं मैं करता। अच्छा। चुनाव तो जीतते भी हैं हारते भी हैं, बहुत सारे चुनाव सत्ता पक्ष ने जीते, बहुत सारे चुनाव विपक्ष ने जीते जी। सब जगह जीतना और हारना तो रहता है। लेकिन अगर मशीनरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग जिम्मेदार है या राजनीतिक दल जिम्मेदार है? केवल एक जगह
रामपुर में की बात, मैं तो तीन जगह की बात कर रहा हूँ। जो अभी तीन जगह चुनाव हुआ है, हमने तीनों जगह की बाकायदा विजुअल्स के साथ बाकायदा लिखा पड़ी में आपके मुख्य चुनाव अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उनको लिखित में पत्र दिया गया है और उनसे कार्रवाई की मांग की गई है। उस कार्रवाई के लिए उस पर क्या हुआ बेर भाई? पर मेरा कहना है मैनपुरी में तो वोटिंग अच्छी हुई, खतौली में अच्छी हुई, तो यहाँ पर क्यों रोक दिया गया? ये क्यों सोच रहे हैं आप रोक दिया गया? लोग नहीं निकले वोट देने के लिए, हो सकता है। गौरव जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, चुनाव जीत जाना आरोप का पटाक्षेप नहीं है। अच्छा, चुनाव जीत जाना अलग विषय है, लेकिन आरोप अलग विषय है। हम चुनाव जीत गए हैं इससे वो आरोप समाप्त नहीं होते। हम चुनाव हार गए हैं रामपुर में तो इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चुनाव जहां जीते हैं वहां पर आरोप। आप बताइए कि हमारे विधायक खतौली जा रहे थे, प्रशासन कह रहा है आप जाओगे लाइन ऑर्डर खराब हो जाएगा। अरे ठीक है, कोई रिपोर्ट आया होगा ऐसा भाई? रिपोर्ट आई है, आप मत जाने दीजिए। अच्छा, लेकिन चुनाव आयोग बताइए आप, खतौली में एक 60 साल की महिला के ऊपर पुलिस ने लाठी चला दी, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, खुरच गया, खून बह रहा है। छोटे छोटे जो लोग जा रहे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, जिनकी वोटिंग है, जिनको वोट डालना है, उनको आप जाने नहीं दे रहे हैं। आप भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हम चुनाव खतौली जीत गए, हम रामपुर हार गए, हम मैनपुरी जीत गए, इससे आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां समाप्त हुआ गौरव जी? अच्छा, चुनाव आयोग अगर हमारे ऊपर ये कार्रवाई करने के लिए तैयार है कि साहब आप गलत आरोप लगाएंगे, आप पर कार्रवाई हम करेंगे, चुनाव आयोग उस कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र है, उसको पूरा अधिकार है। देश के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार है। ठीक, ठीक। लेकिन साथ साथ ये भी तो चुनाव आयोग तय करे कि अगर जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, वहां के लोग, वहां की स्थानीय सरकार के एजेंट के रूप में काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंशन किया जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा। ये भी तो तय करना चुनाव आयोग का भी काम है। ठीक है, हमारे ऊपर तो तलवार लटक रही है सब तरफ से, लेकिन जो ये अधिकारी एजेंट के रूप में काम करते हैं इनका क्या होगा? इस पर भी तो चुनाव आयोग को अपना पक्ष लाना चाहिए सामने कि अगर किसी के साथ अधिकारी दखलंदाजी की गई, अधिकारी के खिलाफ ये काम। एक सवाल मेरा ले लीजिए, उसके बाद अमर भाई को लेता हूँ। अधिकारी एजेंट ग्रुप में काम करते तो मैनपुरी और खतौली में क्यों नहीं कर पाए भाई? वो चुनाव हरा नहीं पाए। अच्छा, हरा नहीं पाए, वो चुनाव हरा नहीं कैसी पाए भाई? काम तो उन्होंने वही किया जी जो उनको करना था। अच्छा, वो चुनाव हरा नहीं पाए तो चुनाव हराना उनकी विफलता है। मैं अच्छा, तो आपसे पिछली डिबेट में आपके साथ केसी भाई भी मेरे साथ थे, मैंने कहा था कि चुनाव वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां पर प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहां चुनाव लड़ रही थी जो चुनाव वहां हार गई? चलिए ठीक है, तो प्रशासन जो है दो जगह हार गया और ये जगह जीत गया। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास समझ ले लो। आमिर भाई, भाई इस तरह से अगर व्यवस्था हो रही है और निश्चित रूप से चुनाव आयोग की प्रणाली पे अगर कोई सवाल उठाता है तो यहाँ पर सबको अधिकार है, चाहे वो संस्था हो चाहे व्यक्ति विशेष हो, पर अधिकार के बाद अगर कोई टिप्पणी करेगा, छवि खराब करेगा, तो एक अलग तरह की एक सोच पर चुनाव आयोग जाता दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया गौरव भाई कि आपने इस चर्चा मुझे शामिल किया। देखिए, एक कहावत है कि गजबरा मारे रोवन न दे। अच्छा, ये चुनाव आयोग ने विफलता मान लीजिए जी कि किसी बात का जवाब ना दे करके अगर इस तरह की कार्रवाई करता तो ये तानाशाही है। अच्छा, बहुत स्पष्ट सी बात यह है। देखिए, विपक्ष हमेशा, जैसे अभी हमारे केसी जैन ने एक बात बहुत अच्छी कही थी शुरू में कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है, और शायद इनको जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने कांग्रेस सरकार में भी मशीन पर आरोप लगाए थे जी। के ये मशीनों से वोट इतना परसेंटेज बढ़ जाता है, ये होता वो होता, ये सब जी। स्वामी जी है जो आज भाजपा के सांसद है उन्हें लगाए थे, अडवाणी जी ने लगाए थे और तमाम नेता लोग लगाते रहे जी। आज दूसरा विपक्ष लगा रहा है, तब वो विपक्ष में थे, आज ये विपक्ष में जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल गौरव जी ये होता है कि बजाय चुनाव आयोग अपनी सफाई पेश करने के, ये डायरेक्ट आदेश कर देना कि मैं कार्रवाई करूंगा, इसका क्या मतलब है गौरव जी? देखिए, ये स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है जी। तो आदमी अपनी बात तो कह सकता है, उस पर भी तत्हीन क्यों कहेंगे भाई, छवि को खराब करेंगे? सुन लीजिए, जैसे वेद प्रकाश मिश्रा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, जिलाधिकारी पर कोई आरोप लगाते हैं या सिटी मजिस्ट्रेट पे कोई आरोप लगाते हैं कि ऐसा हुआ और ये भ्रष्ट मतलब वो हुआ, तो उस पर चुनाव आयोग अपने ऊपर क्यों ले रहा है? अच्छा, ले रहा है तो फिर उसकी सफाई दे, एक बात। दूसरी बात, मैं इसकी
सारी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं गौरव जी। अच्छा, जितना भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जिम्मेदार हैं कि मशीनों पर या चुनाव आयोग पर आरोप लगा देती हैं। बड़ी आसानी लगा देती है। मैं भी आरोप आप पे लगा सकता हूं कि आप डिबेट एक तरफा करा रहे हैं, आप हमें बोलने देना नहीं चाहते, तो ये आरोप है जी, आरोप, लेकिन सच्चाई नहीं है। देखिए आरोप और होता है, सच्चाई और होती है। और अगर इसमें सच्चाई है तो मैं सारी विपक्षी पार्टियां फिर नकारा है। मैं चाहता हूं कि सारी विपक्षी पार्टियां लिख करके दें कि चुनाव आयोग अगर मशीनों से चुनाव कराएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखें चुनाव आयोग मशीनों से चुनाव करा ले, चुनाव आयोग को चाहिए कि बैलेट से चुनाव कराए। और ये अगर तथ्य देना है कि साहब इतने दिन लगेंगे रिकाउंटिंग में, काउंटिंग में, तो ये गलत बात है। इसलिए कि जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, अगर उसमें दो दिन और तीन दिन अगर इसमें काउंटिंग में चले जाते हैं गौरव जी, तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं होगा। पहली बात तो मेरा भी पक्ष यही है कि चुनाव जो है मशीनों से ना होकर के चुनाव आयोग बैलेट से हो, जो स्वतंत्रता को बहाल रखे और लोकतंत्र। यहाँ पर विपक्ष जीत जाता है तो वहाँ पर विपक्ष नहीं बोलता है ईवीएम पर। देखिए मैं विपक्ष और पक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, विपक्ष भी नाकारगी है, ये नकारापन है विपक्ष का। ये सिर्फ कह रहा है, कहने से क्या मतलब है? आप प्रैक्टिकल तौर पे आइए ना, आप लिख के दीजिए चुनाव आयोग को कि अगर मशीनों चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, हारने के बाद आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप चुनाव से पहले कहिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर ये मशीनों चुनाव होगा। भाई नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, अभी बैलेट से होंगे, मेयर के मशीनों से होंगे, इसका क्या मतलब है? आप मेयर के भी बैलेट से कराइए, क्यों करा रहे हैं आप मशीनों से? या विधायक विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव भी बैलेट से कराइए, सारी पार्टियां लिख करके दें कि हम नहीं लड़ेंगे। चुनाव हारने के बाद ये कह देना कि साहब चुनाव आयोग का इसमें मतलब सही बात है, गलत तरीका है, इसके मैं भी खिलाफ हूँ। दूसरी बात, अहम बात चुनाव आयोग की, जहां तक बात रही, एक बात बड़ी साफ सी है कि चुनाव आयोग तो आज से नहीं है, बरसों से है। अच्छा। लेकिन गौरव जी, चुनाव आयोग क्या होता है ये मुझे बताया था टीएन शेषन ने। अच्छा। उसके बाद कई चुनाव आयुक्त हुए, एक नाम और हम लेते हैं वाईएस कुरैशी का, डॉक्टर वाईएस कुरैशी। इन लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग क्या होता है, चुनाव आयोग क्या होता है, लेकिन बाकी ये सच है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं है। अच्छा। और चुनाव आयोग भी सरकार की जेबी तंजीम बन के रह गया है गौरव जी। अच्छा। बहुत स्पष्ट है, चाहे ये मौजूदा सरकार हो चाहे पूर्व सरकार हो, इसका चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं रह गया थीक, है थीक। और ये आरोप लगाना मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अगर वास्तव में विपक्ष को मशीनों से चुनाव नहीं कराना है तो सारी पार्टियां लिख के रोड पर कि अगर मशीनों से चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए चुनाव आयोग क्या करता है। कैसी भाई, यहाँ मिश्रा जी बोल रहे थे कि आप लोग सरकारी मशीन चुनाव लड़ रही थी, वहां पर बीजेपी थोड़ी लड़ी है और रामपुर की वोटिंग इसका स्पष्ट संकेत है, पर क्या कहेंगे यहाँ पर आप? देखिए गौरव जी, जी आज आपने जो विषय रखा है ये चुनाव के बाद का चुनाव विश्लेषण का विषय नहीं। जी अभी वेद प्रकाश जिस तरीके से खेतौली में ये हुआ, रामपुर में ये हुआ, मैनपुरी में ये हुआ, ये सब चर्चाएं हम लोग चुनाव के बाद चुनाव तक वही बात जो रिपीट कर रहे हैं, लग रहा है हम लोगों की पूरी डिबेट रिपीट होकर के जा रही है। चुनाव के बाद हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जी, जी, लेकिन आज विषय आपने बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि नई टिप्पणी चुनाव आयोग ने स्वयं की है कि अगर ऐसा होता है तो इस तरीके का कानून बनेगा कि उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा कि कहां पे कितने परसेंट वोटिंग हुई, क्या हुआ। आज जो विषय मैं उस पर बात रखूंगा, देखिए इस तरीके का आरोप लगाना कोई भी विपक्ष में हो, क्यों ना हम विपक्ष में हो, कोई दूसरा हो या कोई तीसरा हो, अगर चुनाव आयोग वास्तव में इस तरीके से काम करने लगे तो जो पार्टी जो शासन सत्ता में एक बार सरकार आ जाए वो फिर हटे ही ना। अच्छा। और फिर वो वर्चस्व उसका लगातार कायम रहे अगर ऐसा हो तो। लेकिन आप देखिए, एक चुनाव जीतती है एक पार्टी, दूसरा चुनाव जस्ट वो हार जाती है, तीसरा फिर जीतती, चौथा फिर हार जाती है। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करता है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि बात आ गई ईवीएम मशीन के ऊपर कि मशीन से चुनाव हो या बैलेट पेपर से हो। देखिए बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे और अब भी जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह के होते हैं, उसमें तमाम खून खराबा देखने को मिलता है, क्योंकि जब आशंका होती है कि सातवें राउंड की वोटिंग काउंटिंग हो गई, आठवें राउंड, देखिए मैं बिल्कुल हो हल्ला नहीं करना चाहता हूँ, मैंने सबको धैर्य से सुना, मैंने बीच में एक टिप्पणी की हूँ तो आप बिल्कुल अगर नहीं किया हो मैंने ध्यान से सुनिए, फिर आप सारे 100 आप हमारे ऊपर 100 प्रश्न खड़े करिए हमारी हर एक बात पे, लेकिन अपनी बारी पे करिए। बोले 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 किसी भाई जी जी बोले। देखिए जहां तक चुनाव आयोग की बात है, और देखिए चुनाव आयोग पे जिस प्रकार से आरोप लगते हैं, अभी एक साथी ने कहा कि भाई चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव के टाइम में जिला प्रशासन जो होता है वो जिला प्रशासन ही मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाता है।
तो अगर जिला निर्वाचन अधिकारी वो बन जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास पावर जाने के बाद में कौन से जिले में कौन डीएम होगा, कौन एसपी होगा, सारी पावर चुनाव आयोग के पास होती है। बिल्कुल होती है। और चुनाव आयोग उसमें तमाम सारे लोगों को इधर से उधर भी करती है, तमाम सारे लोगों को वेटिंग में डाल देती है जिनके ऊपर लगता है पक्षपात कर सकते हैं या ये किसी विशेष दल से प्रभावित है, काम नहीं अच्छे से करेंगे, तब तक के लिए उनको वेटिंग में भी डाल देती है। तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से पूरा सिस्टम बनाता है, फिर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए न्यायिक प्रक्रिया में भी वकील प्राइवेट वकील को अभी आपने देखा कि जब ये शिवलिंग का जो मामला था काशी का, तो यहाँ पर जो है ज्ञानपीठ वहाँ मस्जिद और मंदिर का जब मामला आया, तो वहां पर क्या हुआ कि आप देखिए कि कोर्ट न्यायालय एक वकील को वहां पर एक पार्टी नियुक्त करती है वहां पर सर्वे के लिए, तो सर्वे के लिए जो सर्वे नियुक्त किया जाता है एक वकील नियुक्त किया जाता है। अब आप उसके ऊपर भी तोहमत लगा दीजिए कि न्यायालय ने नियुक्त कर दिया तो क्या हुआ, वो तो प्राइवेट एक वकील उसको कोई खरीद सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब कोई अधिकारी क्या है कि एक दूसरे को पावर्स को ट्रांसफर होता है, बिल्कुल, और ये हर जगह पे होता है। अगर आप एक बैंक में जाए पैसा जमा कराए और वो बैंक का अधिकारी ट्रांसफर हो जाए तो क्या आपका पैसा नहीं निकलेगा क्या? अब वो बैंक कह दे भाई जिस बैंक जिस मैनेजर के सामने आपने पैसा जमा किया था, जब वो आएगा आपने 10 लाख जमा किया, वो मैनेजर तो गया, आपका पैसा गया, आपने मैनेजर के पास जमा किया था, मैनेजर तो वो है नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। कहा भी गया है क्राउन इज डिवाइडेड ओनली किंग इज डेड, मुद्दे पर बात कहा गया है ओनली किंग इज डेड, ओनली किंग इज डेड, क्राउन इज नेवर डेड। ये पद है, ये पद है, व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, सम्मान पद का है और पद की ही गरिमा है, पद की ही पावर है। तो वहां पर दूसरे को जब बैठा दिया गया, चुनाव आयोग ने उसको पावर दी, डीएम को नहीं बैठाएंगे तो उसको बैठाएंगे, वहां डीएम जो है वहां पे चुनाव अधिकारी लंबे समय से होता रहा, प्रक्रिया नहीं आ गई क्या? तो इस पे विश्वास ना करना ये गलत बात है। अच्छा। और चुनाव आयोग ऐसे अगर नियम कानून बनाएगा तो सारी पार्टियों पे लागू होगी। और फिर वही बात कि देखिए एक समय था जब पूरा कैश से सिस्टम होता था, आज देखिए आज आरटीजीएस होता है, आज पैसा ट्रांसफर होता है अकाउंट टू अकाउंट, और कुछ जगहों पे ये भी पाया जाता है कि लोगों का पैसा लैप्स हो जाता है, या कहीं कहीं पे क्या होता है पैसा एटीएम में फंस गया, फ्रॉड भी हो गया, लेकिन इसका मतलब कि आरटीजीएस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, सारा सारा बिजनेस सारा कुछ क्या कैश पे डिपेंडेंट हो जाएगा, कैश से कितना भ्रष्टाचार था ये भी सबने देखा। तो अगर वो सिस्टम है, हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो, अब ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल फुल प्रूफ एकदम 100% फुल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन जहां पे गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को दूर करना चाहिए, नई तकनीकी नई चीज को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आमिर भाई कुछ बोल रहे थे आपके लिए। आमिर भाई, अरे हम ये कह रहे थे कि जो मुझे इतनी लंबी चौड़ी हमारे केसी जैन साहब ने भाषण दे दिया, लग रहे थे कोई राजनीतिक मंच है, बात मुद्दे की हो रही थी, बात मुद्दे की हो रही थी कि जो जिस तरीके का नहीं, मैंने कोई भाषण नहीं दिया, मैंने भाषण ही है ये कैसी जैन साहब, नेताओं का काम ही देखिए भाषण देना नहीं, आप इसको बुरा ना मानिए, नहीं नहीं जैन साहब बुरा ना मानिए, देखिए नेताओं का काम ही भाषण देना है, आप नेता है, सत्ता पक्ष के नेता है, नहीं नहीं जैन साहब सुनिए, बुरा ना मानिए, आप नाराज ना होइए, आप नाराज ना होइए, जैन साहब नाराज ना होइए, देखिए नेताओं का काम ही भाषण देना है, आपने अपना पूरा भाषण दिला दिया, लेकिन ये लोग जो डिबेट देख रहे हैं, जो लोग बहस सुन रहे हैं, उनकी एक बात आपकी समझ में नहीं आई होगी, आपने आसमान को जमीन, जमीन को आसमान के खिलाफ मिला दिए, इसका कोई मतलब नहीं है, आपने मुद्दे में बात नहीं करी, आज चुनाव आयोग आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके पीएम की जैविक तंजीम बना हुआ है, आप चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, कल चुनाव आयोग को आप ही गालियां दे रहे थे, झांसी सटवानी ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, तमाम भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप नहीं दे गया, आप बताइए, वो भी तो आरोप थे, लेकिन आपको अपना गंदगी नहीं दिखती है, उसमें गंदगी दिखती है, मैंने तो विपक्ष के लिए भी कहा है कि विपक्ष को चाहिए कि चुनाव आयोग को लिख कर दे कि मशीन में चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, आप पहले से चुनाव कराएंगे, अरे आप भाई बुरा क्यों मान रहे हैं, जय साहब बुरा क्यों मान रहे हैं, आप भाषण दे रहे थे, मैंने कह दिया आपको बुरा मानना नहीं चाहिए था, नेताओं का काम ही भाषण देना है, इसमें बुरा मानने कोई बात ही नहीं थी, आपको तो चुनाव आयोग का सफाई करनी है, सफाई देनी है तो आप देंगे, अरे जिलाधिकारी का मतलब क्या है, चुनाव आयोग का चपरासी, सुनिए जय साहब, जिलाधिकारी क्या मतलब है, चुनाव आयोग का चपरासी होना तो ये चाहिए था कि मध्य प्रदेश के सारे आईएएस यहाँ आ जाते और मतलब निर्वाचन अधिकारी बनते, कोई मतलब नहीं है, डीएम का मतलब है उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, जो उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी वो डीएम करेगा, डीएम की कोई हैसियत नहीं है कि ईमानदारी से काम करा ले। अच्छा, आपका कहना डीएम चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए डीएम, अच्छा मतलब नहीं डीएम का, अच्छा क्या मतलब है, चुनाव आयोग जब चुनाव हो रहा है तो तमाम
इस प्रदेश में आना चाहिए, इस प्रदेश के दूसरे प्रदेश में आना चाहिए, ताकि उनका जो प्रदेश सरकार का दबाव है वो नहीं रहेगा, ईमानदारी का चुनाव हो जाएगा। लेकिन होता ही है जो जो और हर डीएम नहीं चेंज होता है। सुन लीजिए जैन साहब, अरे सच्चाई स्वीकार कीजिए जैन साहब। चुनाव आयोग आज की तारीख में चुनाव आयोग का मतलब है सरकार का जो भी मुलाजिम तनखैया जो भी चुनाव आयोग का मतलब ये आज की तारीख में। तो यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी यूं ही नहीं करी है, सही टिप्पणी करी है। मैं इसमें पक्षधर हूं उच्चतम न्यायालय का, जो उसने टिप्पणी करी चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं रह गया। चुनाव आयुक्त थे सिर्फ टीएन शेषन, चुनाव आयोग थे वाई एस कुरैशी या एक तिवारी जी हुए, बाकी चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। आप समझिए जैन साहब, तो आप चाहे कितनी सफाई दीजिए आमिर भाई, आपकी सफाई जनता अच्छी तरह। आमिर भाई, पर जहां विपक्ष जीत जाता है वहां तो इस तरह नहीं बोला जाए ना भाई। हमने क्या कहा, विपक्ष भाई कितना जीत गया विपक्ष, देखिए आजमगढ़, रामपुर लोकसभा, गोला गोकरणनाथ सब भाजपा जीत गई। अच्छा, इन तीन सीटों पर चुनाव हुआ। तो रामपुर का आपने देखा किस, अभी एक वीडियो मेरे पास है वायरल हुई थी कि एक आदमी सिर्फ पर्ची ले रहा है, वोटरों को अंदर आने नहीं दे रहे, वो अपने आप मशीन के बटन दबाए हुए। कहिए तो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊं वीडियो। अच्छा, रामपुर का वीडियो बराबर वो बटन दबाए निकलता है। तो अब आप ये क्या कहिएगा इसको, कैसे अंदर पहुंच गया जी। जी, अब ये तो आप समझिए, आपका प्रशासन जाने, डीएम जाने, कार्रवाई क्यों नहीं करी डीएम ने, डीएम को कार्रवाई करनी चाहिए जी। जिलाधिकारी काहे के लिए होता है जिलाधिकारी, अरे एक वीडियो अभी वायरल हुआ है, बहुत सख्ती से वायरल हुआ है, वो सिर्फ पर्चियां ले रहा है, किसी वोटर को उसके अंदर जाने नहीं दे रहा मशीन के पास, जो मशीन से वोटर बटन दबाए निकल रहा है। तो ये व्यवस्था, ये व्यवस्था खतौली और मैनपुरी की आपकी, आप जेल कराइए महाराज, कौन रोक रहा है आपको। काली टीवी में कह देना थोड़ी कुछ हो रहा है, कानून बन रहा है जी, फिर किस बात का डर। जुबान रोकना चाहता है, जुबान बंद करना चाहता है, तानाशाही दिखा रहा है चुनाव आयोग, ठीक मोदी जी की तरह से। अच्छा अच्छा जी, बहुत सही। अगर जहाँ कोई बोला उसके खिलाफ मुकदमे, तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया। अरे हेड स्पीच में आजम खान खिलाफ FIR हो गई, उनको जेल भेज दिया गया। तमाम हेड स्पीच वाले सड़कों में घूम रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। आपके दोहरे मापदंड, सरकार के दोहरे मापदंड तो यही है, यही सरकार के दोहरे मापदंड है जैसा। आप चलिए नहीं, सच्चाई स्वीकार कीजिए जी। चल ठीक है, आपको आपने खरीद लिया था क्या हिमाचल के लिए जी? हिमाचल के चुनाव आयोग को आपने खरीदा था जी? कितने करोड़ में खरीदा था चुनाव आयोग को? ये किसी कांग्रेसी पूछिए, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं जी। कांग्रेस वहां कैसे जीत गई, भाजपा कैसे हार गई बताइए? चुनाव आयोग को किसी ने पैसा दिया था? अमर भाई बताइए, हमने की थी कांग्रेस। अच्छा, तो गुजरात में आप 99 पे 161 पे कैसे पहुंच गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तमाम वीडियो वायरल हो गए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ जी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ जी। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है जैन साहब, चुनाव बैलेट से होना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तमाम विपक्ष के लोग लिख करके दे दें चुनाव आयोग को कि मशीन से चुनाव आयोग नहीं लड़ेगा। ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मिश्रा जी ने कहा कि कोई पार्टी लगा रही है, नागरिक लगा रहे हैं, आम जनता लगा रही है, ये सच है, आम जनता लगा रही है। आमिर भाई ठीक है, वोट देकर के नहीं आ रहे, ठीक है, वो कहते हैं भाजपा कैसे जीत चुनाव जीत लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 के बीच में जो भी एमएलसी चुनाव हुए जीत लिए, तब चुनाव आयोग ठीक था। और समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव जीत जाती है, तब चुनाव आयोग ठीक था। 2012 हारना था, तुक्के से जीत गए, तुक्के से। अच्छा, तुक्के से जीत गए, इसलिए चुनाव आयोग पे अभी तोहमत बढ़ रहे हैं। अच्छा, इनको तो पक्का था, विश्वास था, इनको चुनाव नहीं हारना है, चुनाव नहीं जीतना है, लेकिन जीत गए। तो 288 हजार से कैसे जीत गए भाई? हम जीत क्यों गए? अगर हारने रविन भाई, मोटी मोटी जीत नहीं हुई है, रविन भाई चुनाव, चुनाव जीतने के बाद 26,000 से जीता है, उसका दुख बना रहे हैं, धोखे से इनको चुनाव हारना चाहिए था, धोखे से चुनाव जीत कैसे गई भाई? किसी भाई, किसी भाई एक साल किसी पहले 16,500 से जीते थे, 23,000 से आप वहाँ चुनाव हार गए, और आप कह रहे हो कि चुनाव धोखे से जीत गया। ये तो आपको समझना चाहिए। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, किसी जैन जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ,
अगर चुनाव जब जिला प्रशासन अगर चुनाव जब जिला प्रशासन लोगों को वोट नहीं डालने देता है तो आप अगर आज आप सरकार में है तो आप जिला प्रशासन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिला प्रशासन के बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी आप बात करते हो, जिला प्रशासन के खिलाफ आप क्यों नहीं हमारे साथ खड़े होते हैं? किसी भाई जिला प्रशासन गलत अगर कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुन लीजिए, आप सुनते नहीं ना, समस्या तो ये बड़ी खराब लगाते बनता। किसी भाई सुन लीजिए, पहले आप प्रश्न तो सुनिए, इसको ना सुनने की ट्रेनिंग मिलती है। पहले आप प्रश्न सुनिए कि समस्या क्या है, आप प्रश्न ही नहीं सुन रहे। बेप्रकाश मिश्रा जी बोल रहे हैं, पहले आप प्रश्न सुन लीजिए, आप सरकार है जी, सुनाइए, और हमारी जिम्मेदारी है आपसे प्रश्न पूछना। अच्छा, आप उसका जवाब दें। पहले प्रश्न पूछिए, सुनिए जैन साहब, पहले आप प्रश्न को सुनिए। मुबारक हो जी, आपको दुख है इस बात का कि डिंपल जी चुनाव जीत क्यों गई? अच्छा, समाजवादियों को, सारे समाजवादियों को दुख है। अच्छा, क्योंकि जितने आरोप लगाए थे सारे झूठे साबित हो गए। अच्छा, चुनाव जीतने की वजह से। अच्छा, तो इस बात का दुख है, इस बात का शोक बना रहे। अरे भाई, क्या आरोप लगाया था जरा वो भी बता दीजिए। चुनाव जीत क्यों गई? चलिए आप आरोप बताइए, डिंपल जी के चुनाव में क्या आरोप लगाया गया था? बढ़िया से आरोप लगाते बनता, क्या आरोप लगाया था? अब जीत गई तो आरोप कैसे लगाया? अरे भाई, क्या आरोप लगाया था जी? आपने तो यह तय किया था कि हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। हाँ। अब वो चुनाव जीत गई, चुनाव उनको जीतना ही जीतना था। और मैं तो पहले भी इसी चैनल पे आपके साथ बात मेरी हुई थी, मैंने कहा था चुनाव जीतेंगे। आप इसको मत कीजिए, कहाँ हार जाती तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते। अच्छा, कहाँ चुनाव हार जाती? मैं कह रहा हूँ चुनाव में खड़ा करते, हारने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए शोक मना रहे। जैन साहब, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जैन साहब, चुनाव जीतने हारने की बात बारी बारी से भाई, चुनाव जीतने हारने की बात कहाँ है? आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि अगर प्रशासन ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? चुनाव जीतना हारना तो विषय ही अलग। प्रशासन प्रशासन प्रशासन, अरे ये आप अपने कुकर्मों की वजह से हार रहे हैं। अच्छा, 2022 का इलेक्शन ऐसे नहीं हारे, जो आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, इनकाउंटर गलत, आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आप अपने कुकर्मों पे रो रहे हैं, उसके वजह से आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, जो चल रहा है गलत चल रहा है। बुलडोजर को आप अच्छा कह रहे हैं, बताइए, बुलडोजर डॉक्टर को आप अच्छा कह रहे हैं? हाँ, बुलडोजर चल रहा है, राजू की गिरफ्तारी हो रही, उसको अच्छा कह रहे हैं? नहीं कह रहे, गरीबों पे चल रहा है, डॉक्टर उन पे चल रहा है, बच्चों पे चल रहा है, गरीबों पे चलने वाला नहीं है। अरे सरकार के कितने लोग बुलडोजर चला, बताइए, सरकार में सब ईमानदार लोग बैठे हैं, भ्रष्ट लोग नहीं है? आप बताइए तो सही, जैन साहब, आप विचलित ना होइए, आप बताइए, सरकार में सारे ईमानदार लोग बैठे हैं। आपके सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो किसी सरकार में हुआ ही नहीं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, अभी धान खरीद में भ्रष्टाचार चल रहा है, गड्ढा मुक्त अभियान का क्या हुआ, गन्ना मूल्य का क्या हुआ? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलोगे? ठीक है, ठीक है, लखनऊ में तमाम ऐसी है, खड्डों में सड़क है, खड्डों में सड़क है, और आप बता रहे हैं कि साहब हम लोगों का भाई ये फल है। मिश्रा जी, किसी भाई, किसी, प्लीज, मेरा कहना है मिश्रा जी, आप बोल रहे हो गड्ढा मुक्त अभियान, डिंपल जी चुनाव हारी थी, किसी भाई प्लीज, पूरा परिवार चुनाव हार गया था, किसी भाई, इसका मंथन करिए, किसी भाई सुनिए, किसी भाई प्लीज, मेरा कहना है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, किसी भाई बता रहे हैं, किसी भाई मेरा सवाल रहेगा, अरे आप क्या चुनाव आयोग आयोग के एजेंट हो, क्या हो आप? हाँ, आप बताओ ना, आप चुनाव आयोग के एजेंट हो, पार्टी है, आप एजेंट हो, पार्टी हो उनके, इसीलिए चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जब से आप लोग उनके एजेंट बन गए। अगर चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे हैं, आप राजनीतिक दल है तो आप राजनीतिक दल के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? आप चुनाव आयोग की एजेंसी क्यों कर रहे हैं? आप चुनाव एजेंसी की दलाली क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कि चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब अगर गलत आरोप लगेगा कार्रवाई करेंगे, आप भी स्वीकार करिए, हम भी स्वीकार करते हैं, चुनाव आयोग गलत काम न करे क्यों कोई राजनीतिक दल आरोप लगाएगा? आप चुनाव आयोग की एजेंसी क्यों कर रहे हैं? आप डीएम की एजेंसी क्यों कर रहे हैं? इससे लगता है कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ये सब आपके साथ। बेर भाई, बेर भाई, बेर भाई, बेर भाई, बेर भाई, केसी भाई बोल रहा है, केसी भाई, अरे धर्मेंद्र जी चुनाव जी हारे, डिंपल जी हारी, अच्छा जी हारे, पूरा परिवार का सफाया हो गया, सब चुनाव आयोग ने हरवा दिया आपको, और यही चुनाव आयोग आपको जिता भी देता है, यही चुनाव आयोग आपकी 2012 में सरकार बनवा देता है, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं 2017 में तो चुनाव आयोग बहुत खराब, और 2012 में जीत जाते हैं। भाई मैं पूछता हूँ, आप चुनाव आयोग से क्या हो?
इस बार आप पहले ये बताओ आप चुनाव आयोग के हैं क्या? आप चुनाव आयोग के वकील हैं? चुनाव आयोग के आप चुनाव आयोग के हैं क्या? चुनाव आयोग की दलाली आप क्यों कर रहे हैं? पहली चीज तो आप दलाली में शब्द कौन सा भाई? चुनाव अगर ये कहते हैं कि आप लोगों के कुकर्मों का फल है तो दलाली जैसे शब्दों का तो हम लोग भी प्रयोग करेंगे। जब ये सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो इनको तो इन्हीं की भाषा में जवाब देना ही पड़ेगा। आप बताइए आप क्या हो? आप चुनाव आयोग के क्या हो? दलाल हो क्या हो? आप चुनाव आयोग के एजेंट हो क्या हो? छाती पीट पीट के विधवा विलाप करते हैं आप लोग। आप लोग छाती पीट के विधवा विलाप करते हैं। अरे हमने आपको चुनाव हराया है, चुनाव किए थे, आप लोग रो रहे हैं, आपको पता आंसू नहीं निकल रहा है। आपसे हमने सीट छीन लिया है, अब आप जिला प्रशासन का प्रयोग करके हमारे विधायक को वहां जाने नहीं दे रहे हैं कि साहब अगर ये क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ का लाइन ऑर्डर खराब हो जाएगा। उसने तो बेचारे ने 12 रेप किए थे। ठीक है रमेश भाई, 12 रेप किए थे। रमेश भाई बोल, कुछ बोलना चाह रहे हैं? किसी भाई, किसी भाई, रमेश भाई, किसी भाई, उस समाजवादी मुद्दे का सफाया हो गया तो आप कर रहे हैं ना? आयोग पे चल रही थी। केसी जी बोलते रहते हैं। केसी भाई, केसी भाई प्लीज, केसी जी जज साहब प्लीज, केसी भाई प्लीज। उनकी पार्टी सच बोलने में ऐसी आदमी पिछली दो ज्यादा करते हैं। जज साहब बोल रहे हैं कोई खास ऐसे दिमाग डिस्टर्ब होता है जब सही बात सामने आती है। जज साहब प्लीज भैया, बारी बारी बोलिए, सही बात ऐसे 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 गला फाड़ फाड़ मत बोलिए भाई। प्लीज फिर भाई, फिर भाई बोलते रहेंगे। उनकी आदत है, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। ये जो बड़बोला पड़े ना, इस पे चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। जो लोग फर्जी आरोप लगाएंगे उनको जेल में जाना है। फर्जी आरोप लगाने वालों को जेल जाना है। सही आरोप है, सही आरोप है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग चुनाव आयोग इस तरीके की व्यवस्था ले आए, चुनाव आयोग अगर ऐसी व्यवस्था ले आए, फर्जी आरोप लगाने तो क्या दिक्कत है? चुनाव सबको स्वीकार करना चाहिए। चुनाव आयोग पे जो भी टिप्पणियां करनी थी, जो चुनाव आयोग पे जितनी कड़ी से कड़ी टिप्पणी करनी थी नवंबर के महीने में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब मैं एक प्रश्न को पूछता हूं उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने जनवरी में एक सभा किया, जब आखिरी लिस्ट निकल गई मतदाताओं की, कि 21,40,000 वोटरों का नाम काट दिया गया है। अच्छा। नाम काटते समय इसने उन्होंने ये कहा कि मशीन का भी प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त ये बता दे कि निर्वाचन कि किस नियमावली में लिखा है कि मशीन का प्रयोग करके आप नाम काट दीजिएगा। पहला विषय। दूसरा विषय है फार्म 6A, फार्म 7 और फार्म 8 का प्रयोग जनरली होता है। नाम काटने के लिए फार्म 7 का प्रयोग होता है। नाम काटा गया है 21.40 लाख लोगों का, तो उसको किसी ना किसी के द्वारा संतुष्ट किया जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन करेगा तब नाम काटा जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में। उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त ने ये 21 लाख लोगों के जो नाम काटे हैं, तो नाम चढ़ता है फार्म 6 से। अच्छा। फार्म 6 पे दस्तखत होता है बीएलओ का और ईआरओ का, जिसको एसडीएम भी बोलते हैं। तो एसडीएम की दस्तखत के बाद से नाम चढ़ा होगा। उन एसडीएम लोगों के खिलाफ 420, 419, 467 और 471 की कार्रवाई चुनाव आयुक्त ने क्यों नहीं किया? अगर 21 लाख फर्जी नाम थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया? ये बात मेरे लिए भी खाली मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये भाजपा के लिए भी उतनी सही है, ये कांग्रेस के लिए भी उतनी सही है, या सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए सही है कि अगर 21 लाख नाम काटे जाते हैं तो नाम चढ़ाने वाली जो नाम चढ़ाने वाली संस्था जो है ईआरओ है। ईआरओ ने आदेश किया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? ठीक। और वो बताए, चलो ठीक है, कैसे जवाब दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ये देखिए गौरव जी, जवाब उत्तर प्रदेश के गौरव जी, हर बार वोटर लिस्ट में मरते हैं और हर बार वोटर लिस्ट से नाम कटते हैं। हर बार वोटर लिस्ट में नाम बढ़ते हैं, हर बार वोटर लिस्ट से नाम कटते हैं, और सबको सारी प्रक्रिया के बारे में पता है कि किस तरीके से नाम घटते हैं, किस तरीके से नाम बढ़ते हैं। तमाम सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, नाम हटते हैं। तमाम सारे लोगों लोग क्या करते हैं कि नौकरी की वजह से, अगर उनको लगता है कि प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद वो वहां से पलायन कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तब उनका नाम कट जाता है।
किराए पे लोग रह रहे होते हैं वहां पे नहीं पाए जाते तब उनका नाम कट जाता है, या मकान मालिक स्वयं सूचना देता है कि ये लोग हमारे वहां नहीं रहते तो नाम कट जाता है। बहुत से कारण हैं और 21 लाख अगर 5 साल में 21 लाख नामों का कट जाना कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। नाम बढ़े कितने ये भी तो देखिए आप ना, अगर 1 करोड़ नाम बढ़े हैं तो 21 लाख नाम कटे, तो नाम बढ़ते हैं नाम कटते हैं। और हर बात पे केवल चुनाव आयोग को कटघरे में लेना, अगर आपको लगता है इसमें कुछ दिक्कत है तो आपको चुनाव आयोग को यह प्रश्न करना भी चाहिए। आप क्या सबको करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए? अगर उसका लगता है नाम कट गया गलत तरीके से तो अगर सही तरीके से कट गया है तो सवाल कटे नहीं जाएगा। इमरान भाई, मैं चुनाव आयोग से प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न ये है कि अगर नाम कटे हैं, इमरान भाई को मेरी आवाज नहीं, जो मशीन से नाम कटे हैं, जो मशीन से नाम कटे हैं, ठीक है तो जो नाम फर्जी चढ़े थे, ठीक है जिसको चुनाव आयुक्त कह रहा है फर्जी नाम चढ़े थे, तो फर्जी नाम जो चढ़े थे उन ईआरओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसी काम किसी कालखंड में रहे हो, हमारे कालखंड में रहे हो, बीजेपी के कालखंड में रहे हो, किसी भी कालखंड में रहे हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका सुन लीजिए, देखिए तीन चुनाव होते हैं विशेष तौर से विधानसभा, लोकसभा और नगर पालिका के, नगर निगम के, तो तीनों की लिस्टें अलग अलग हैं। गौरव जी, मैं चाहता ये हूँ कि चुनाव आयोग करे कि एक ही लिस्ट से चुनाव कराए। अरे हम तो करें एक ही चुनाव हो जाए। नहीं नहीं, एक चुनाव नहीं, एक ही लिस्ट से चुनाव कराए। नगर निगम के आप मेरा ही वोट है, नगर पालिका में काट दिया गया, विधानसभा में है, लोकसभा में, ये कौन सी बात हुई? अच्छा। तो एक ही अगर लिस्ट बने तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हुआ है ये, नगर निगम की लिस्ट अलग है, विधानसभा की अलग है, लोकसभा की अलग है, इसमें एक भ्रम पैदा होता है। और दूसरे जो नाम कटने और जोड़ने की बात चल रही है गौरव जी, तो एक बात तो बड़ी ईमानदारी समझ लीजिए कि एक मोहल्ले में अगर 500 वोट बढ़ाए जाते हैं तो दूसरे मोहल्ले में स्वतः काट भी दिए जाते हैं बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी उसके, यही वजह है जो तमाम वोटर भटकते फिरते हैं टाइम पर और वोट नहीं डाल पाते हैं। ठीक है। आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, चर्चा ये थी कि चुनाव आयोग पर अगर आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका आधार भी लेके आइए, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यहीन टिप्पणी कर करें आप चुनाव आयोग की छवि को खराब मत करिए, कि चुनाव आयोग ही चुनाव को कराता है और वही निश्चय करता है, वही निर्णय करता है कि आने वाले समय में आपका प्रतिनिधि कौन बनेगा, चाहे मुख्यमंत्री चुनाव की बात हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो। तो यहाँ पर किसी पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, अगर टिप्पणी आधारहीन है तो यहाँ पर कार्रवाई भी होगी और हो सकता है कार्रवाई ऐसी हो जो कि नज़ीर बने। पर साथ ही साथ यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, पर इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में अगर जनता की बात भी हो जाएगी और शायद ये मुद्दे या जो समस्याएं हैं या जो कमियां हैं उनको जनता के बीच में जाकर बताया जाए और उनको तलब भी किया जाए और समझाया भी जाए और साथ ही साथ प्रशासन को भी इसकी भूमिका को बताया जाए, तभी कुछ बेहतर परिणाम आएंगे। अन्यथा केवल डिबेट के माध्यम से, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से और केवल एक ट्विटर के माध्यम से अपने आरोपों को बताना, अपनी बात करना, प्रत्यारोप करना और किसी पर टिप्पणी करना, ये तो व्यवस्था फिलहाल चलती आ रही है और चलती रहेगी। पर अब शायद समय आ गया है धरातली संघर्ष का, धरातल पर आइए और अगर आरोप है तो उसके लिए लड़िए, तभी कुछ बेहतर परिणाम आएंगे, नहीं तो जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।